पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। ऑल इंडिया बार एग्जाम पे मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं और आपने बहुत पसंद भी की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऑल इंडिया बार एग्जाम पे एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाकर रखी है। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है OMR शीट को साथ में मिलकर फिल करना, बिकॉज ऑल इंडिया बार एग्जाम की फॉर्म भरने में भी हमारे काफ़ी पैसे लग गए हैं, फिर स्टेट बार काउंसिल से एनरोल भी किया होगा उसमें भी पैसे लगे हैं। तो अब एग्ज़ाम में जाकर मिस्टेक कमिट करना जिसकी वजह से हमारी आंसर शीट डिस्कार्ड कर दी जाए तो ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ। तो इसलिए कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको एवरी माइन्यूट डिटेल अभी आगे जाकर वीडियो में बताने वाली हूँ कि OMR शीट को आपको कैसे फिल करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में OMR शीट मोस्टली होती नहीं है। तो हम लोगों ने 5 से 6 साल पहले भरी होगी, बहुत से लोग नर्वस भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ पहले ही फिल कर लेती हूँ OMR शीट, ताकि आप कोई भी नर्वसनेस नहीं हो और आप अपना एग्ज़ाम एकदम अच्छी तरीके से देने जा पाए। फिलिंग इन द OMR शीट, सबसे पहले आपको अपनी बुकलेट में देख लेना है और एडमिट कार्ड में भी पढ़ के जाना है कि कौन से कलर का बॉल पेन अलाउड है। यूजुअली सभी एग्जाम्स में ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन अलाउड होते हैं। तो चलिए अब फिल कर लेते हैं OMR शीट को। सबसे पहले आएगा आपको अपना नेम डालना है। तो आप कैसे लिखेंगे? सपोज मेरा नाम है डिम्पल पारिक, तो आपको सबसे पहले इस बॉक्स में लिखना है अपना नाम, और जब आपको अपना सरनेम लिखना होगा तब आपको बीच में एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा ब्लैंक। तो पहले डिम्पल लिख लिया मैंने, फिर एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़कर फिर आगे मैं अपना सरनेम लिख रही हूँ। देखिए अब मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने अपना नाम लिख लिया और यहाँ पर सरनेम और नेम के बीच में एक ब्लैंक बॉक्स छोड़ दिया है। अब जैसे मेरा नाम है डिम्पल, तो सबसे पहले है डी, तो अब मुझे मार्क करना है यहाँ पर डी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर आपने अपना नाम लिखा है उसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स में ही आपको सेम लेटर को फिल करना है। तो डी हो गया। अब नेक्स्ट है मेरे नाम का लेटर आई, तो अब उसके नीचे वाली लाइन में आ गया आई। देन द नेक्स्ट वन इज एम, ये है एम, उसके बाद है पी, देन इट इज एल और फिर ई। ये आपको ऐसे करके नहीं छोड़ना है, जो बॉक्सेस हैं उनको पूरा फिल करना है इस तरीके से। ना ये आधा भरा हुआ होना चाहिए, ना इसके बाहर जाना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से आपको OMR शीट पे बॉक्सेस को फिल करना है इस तरीके से। अगर आप ये छोटे छोटे डॉट्स पहले से बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी जल्दी जल्दी पूरे OMR को फिल करने में। इसीलिए मैंने पहले छोटे छोटे डॉट्स बनाए थे और अब मैं पूरे बॉक्सेस को फिल कर रही हूँ। तो सेम सिमिलरली आपको अपना सरनेम भी फिल कर लेना है। अब हम अपना नेम फिल कर चुके हैं, आते हैं डेट पे। देखो अगर एग्ज़ाम की डेट है आपकी 1st अक्टूबर लेट सपोज, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली 1 नहीं लिखना है, आप लिखेंगे 01। तो सबसे पहले दो बॉक्सेस में आएगा आपका डे, उसके बाद आप फिल करेंगे मंथ। तो मंथ क्या है? अक्टूबर अगर हमारा है तो 10th मंथ हो गया, तो ये हो गया 10। अब साल कौन सा चल रहा है? 2023, तो 2000 का 20 हटा देंगे और 23 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम डेट फिल करते हैं हमारे OMR शीट में। अब सिमिलरली जैसे पहले मैंने नाम लिखा था वैसे ही मैं सारे ब्लॉक्स को फिल कर दूंगी एक एक करके। तो ये हो गई आपकी डेट। अब हम रोल नंबर फिल कर लेते हैं। रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, तो एज इट इज एडमिट कार्ड से देखकर एक एक करके आप इसको फिल कर लेंगे। लेट सपोज मेरा रोल नंबर है 5487631 2। हम लोग क्रॉस चेक करेंगे उसके बाद ही फिल करेंगे। जैसे पहले 5 देख लिया एडमिट कार्ड पे, फिर 5 फिल किया, फिर 4 देखा, फिर 4 फिल किया। ऐसे करेंगे तो गलत नहीं होगा, बिकॉज OMR शीट पे एक बार अगर गड़बड़ हो गई तो उसको हम मिस्टेक को सुधार नहीं सकते हैं और पेपर हमारा कैंसिल हो सकता है। तो अब बस सिमिलरली जो भी नंबर लिखा है उसके नीचे वाली लाइन में ही आपको बॉक्सेस बनाने हैं उन सभी नंबर। जैसे कि यहाँ पे ऊपर 5 था, 5 के बॉक्स पे मैं यहाँ नीचे मार्क कर दूंगी। यहाँ 4 है तो 4 को मैं मार्क कर दूंगी। 8 के नीचे जो लाइन है उसी में मैं 8 को मार्क कर दूंगी। ऐसे ही करके हमें अपना पूरा रोल नंबर भी फिल कर लेना है। अब आते हैं हम सेट पे। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 है, बट आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम में ABCD मिलेगा। तो सपोज आपका सेट B है तो आपको B लिखना है और यहाँ पर ABCD ही लिखा हुआ होगा। यहाँ पर मेरे पास दूसरी OMR शीट है, वो वाली सिमिलर OMR शीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। बट आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम में ABCD मिलेगा। सपोज B मिला है तो आप यहाँ पर B लिखेंगे और फिर नीचे सपोज यहाँ पर A है, यहाँ B लिखा है, SSCD लिखा है, तो आप B पे जा करके अपना
ब्लॉक फिल कर देंगे और फिर कर देंगे अपने सिग्नेचर। अब मैंने यहाँ पे साइन तो कर दिया, बट आप इस बात का ध्यान रखना कि दो बॉक्सेस आते हैं एग्जाम में, एक होता है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और दूसरा होता है, यहाँ मार्क्स लिखा है बट ये दूसरी ओएमआर शीट है, वहाँ लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। तो आपको कैंडिडेट वाले में करना है, इन्विजिलेटर वाले में नहीं करना है, वो इन्विजिलेटर आके खुद करेंगे। अब आते हैं हम आंसर्स पे। तो देखिए मेरे पास दूसरी ओएमआर शीट है, वो डिपेंड करता है आपको एग्जाम में कौन सी ओएमआर शीट मिलेगी। आपको नंबर वाले भी मिल सकती है, जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ए बी सी डी भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर पेपर। तो मेरे पास यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 वाली है। सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर 4 है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है, तो आप यहां पर 4 को इस तरीके से फिल कर देंगे। अब आपको मैं एग्जांपल भी दे देती हूं। सपोज कि ये ए बी सी डी वाली सीरीज है, ठीक है, ये मेरे पास लिखा है ए बी सी डी ई। अब आपका आंसर है बी, तो आप यहां बी पे फिल कर देंगे ब्लॉक को। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 का आंसर आप इसी लाइन में आपको फिल करना है, 2 का आंसर आपको सेम सिमिलर लाइन में फिल करना है, 1 का 2 में, 2 का 3 में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मे बी आपको दूसरी ओएमआर शीट मिल जाए, बट देन बहुत टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा, तो इस बात का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका 3 है या फिर सी है, तो आप ऐसे आपने इसको मार्क कर दिया। अब जंबल्ड वे में से बचने के लिए, कि सपोज 1 का आंसर आपने 2 में मार्क कर दिया, 2 का 3 में कर दिया, उससे बचने का सीधा साधा उपाय ये है कि आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम में, तो 100 के 100 क्वेश्चंस को लास्ट में फिल करने के लिए मत बैठना, मत वेट करना, टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप क्या कर सकते हो, 10-10 क्वेश्चंस के सेट बना लो, तो पहले 10 क्वेश्चंस को मार्क करो, फिर 10 क्वेश्चंस सॉल्व करो, बाकी के 10 क्वेश्चंस को मार्क करो। उससे क्या होगा कि आपकी सीरीज बनी रहेगी और आंसर्स आप करेक्टली मार्क कर पाओगे। चलिए अब हमने यहाँ पर नेम फिल कर लिया है, डेट फिल कर लिया है, सेट फिल कर लिया है, रोल नंबर फिल कर लिया है, और हमने सिग्नेचर भी कर लिया है, और आंसर्स कैसे फिल करने हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। आपको अपने नेम, डेट, सेट और रोल नंबर में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है और आपका एग्जाम जो है वो विथहेल्ड हो सकता है, तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए अब हम ओएमआर शीट फिल कर चुके हैं, सो आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। सो दैट इज इट गाइस, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, देन प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो ऑल इंडिया वाइज एग्जाम देने वाले हैं, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तब तक के लिए हैवी रीडिंग्स एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।